नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाड़ी को रिवर्स में कैसे चलाया जाता है। हालांकि कहने को तो बहुत सिंपल है, गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाना है, क्लच छोड़ना है, एस्केलेटर देना है और गाड़ी रिवर्स में चलने लगेगी। लेकिन फिर भी गाड़ी को जब रिवर्स में कोई भी नया ड्राइवर या बिगिनर जो भी गाड़ी सीख रहे हैं वो लोग चलाते हैं, तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डर लगता है काफ़ी ज़्यादा कि भाई कहीं से गाड़ी पीछे से ठुक ना जाए। और अक्सर ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि गाड़ी पीछे पूरा ध्यान होने के कारण पीछे से तो नहीं आगे से ठुक जाती है। तो हम सारी चीज़ों की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों आती है समस्या। तो सबसे पहले समस्या इसलिए आती है कि कोई भी जब गाड़ी चलाना सीखता है तो गाड़ी हमेशा आगे की तरफ चलाना सीखता है, पीछे की तरफ प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो जब आपको गाड़ी आगे चलाने की आदत हो जाती है तो अचानक से आदत ना होने के कारण आपको पीछे चलाने में डर लगता है। दूसरी चीज़ ये कि आपको पीछे वाले व्हील्स को डायरेक्शन देने के लिए जो स्टीयरिंग का मूवमेंट है वो आगे के व्हील्स में थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, तो आपको आगे की तरफ नॉर्मल स्टीयरिंग घुमाने की आदत रहती है, उस कारण भी आपको रिवर्स करने में कठिनाई होती है। तो आपको करना क्या है उसके लिए कि आपको स्टीयरिंग पर बैठने से पहले एक बार आप जहाँ पर रिवर्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये रोड है, अभी गाड़ी में इस तरफ इतनी कुछ जगह है आप देख सकते हैं, और इस तरफ अगर हम देखें तो इस तरफ कुछ इतनी जगह है गाड़ी में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपकी गाड़ी पहले खड़ी करनी है बाकायदा, और उसके बाद आपको चारों तरफ से अपनी गाड़ी का एक ओवरव्यू लेना है कि भाई मेरी गाड़ी कहाँ पर कितनी जा रही है, क्या इसकी डायमेंशंस है। तो आपको जब आप गाड़ी की एक अपने दिमाग में इमेज बना के चलेंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा गाड़ी को रिवर्स करना। पहली चीज़ ये, जब आप गाड़ी का ओवरव्यू ले लें उसके बाद आपको जगह का ओवरव्यू लेना है कि आपको कहाँ पर रिवर्स करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ से रिवर्स करके आपको इस वाले रोड पे गाड़ी ले जाके दिखाऊंगा। तो यहाँ से हम टर्न लेंगे, बीच में एक पोल है जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इस पोल पे गाड़ी टकराना नहीं चाहिए, तो मुझे गाड़ी को इस तरफ मोड़ना पड़ेगा और कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो अब इस जगह का जायजा ले लिया, दिमाग में एक थोड़ी सी वो बना ली इमेज, और उसके बाद अब आप गाड़ी में बैठें और गाड़ी में आपको करना क्या है वो अभी हम गाड़ी के। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें बता देते हैं कि रिवर्स करते समय क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये गियर लीवर है, गियर लीवर में एक रिवर्स गियर हर गाड़ी में होता है। अब रिवर्स कई भी कभी आगे की तरफ होता है और कभी पीछे की तरफ, फिफ्थ गियर के नीचे होता है, तो वो आप अपनी गाड़ी के हिसाब से देख लीजिए, कोई बड़ी भारी उसमें बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ हम बात करें तो गाड़ी को रिवर्स करते समय देखना कहाँ पे, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई लोग बोलते हैं कि भाई आपको ऐसे देखना चाहिए, कोई आपको बोलते हैं कि भाई गाड़ी से कांच से बाहर निकाल के देखना गलत है, और कोई बोलते हैं आपको ORVM में देखना है। तो उसकी थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो ये जो पोजीशन है आपको ऐसे देखना होता है, इसमें आपको इस वाले कांच से पीछे की तरफ का ही देखने को मिलेगा, और इस तरफ से थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ से पीछे का व्यू दिखाऊं तो आपको ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला पिलर, ये बीच में आ जाता है, तो उस कॉर्नर पर देखने के लिए आपको कोई जगह नहीं है। सेम आपको इस वाले पिलर पर भी देखने को मिल जाता है, और इस वाली खिड़की से थोड़ा बहुत दिख जाता है, बाकी मेन तो आपको इसी से देखना रहता है, लेकिन इससे भी काफ़ी दूर का आपको दिख रहा होता है, क्योंकि जो पास में जो टर्न है, मुझे जहाँ पर टर्न लेना है वो इस वाली रोड पे लेना है, लेकिन मुझे तो ये वाली रोड दिख ही नहीं रही, वो आगे वाली दिख रही है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें, तो मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है कि आपको ऐसे नहीं देखना है। या फिर जो अगली चीज़ आती है, आपको ऐसे ऐसे देखना होता है। अब ऐसे क्यों देखते हैं, क्यों? इसका एक रीज़न है कि जब आप पूरी तरीके से इंश्योर हो कि आपकी गाड़ी लेफ्ट में हाँ कुछ भी नहीं है, उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, या उधर आपको कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, अब मेरी गाड़ी में इधर से अगर इतनी काटूंगा तो गाड़ी उतनी उस साइड से आराम से चली ही जाएगी, वो कहीं निकल के बाहर भगेगी नहीं। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं ड्राइवर्स, यहाँ से झांक के देखते हैं। हालांकि गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, बाद में मेथड अपने आप आपको आ जाएगी, इनको सिखाने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन सिखाने वाली जो चीज़ है वो ये है कि आपको दोनों ORVM में देखना है और एक IRVM में देखना है, क्योंकि इसमें
क्लियर व्यू, क्योंकि उस साइड का भी एक व्यू आ जाता है आपको, पूरा इस साइड का भी व्यू आ जाता है, और इससे जो आप पीछे की तरफ देखते हैं वो IRVM में आपका व्यू आ जाता है। लेकिन बस थोड़ा है कि आगे की तरफ बैठे होने के कारण थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन समय के साथ वो आदत हो जाती है। जब आप इन ORVMs और IRVM में देखना सीख जाएंगे, तब आप पीछे देख के रिवर्स करें, चाहे साइड मुंह बाहर निकाल के रिवर्स करें, कैसे भी करें, उसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले इन्हें उस समय आपको कैसे एडजस्ट करना है, उसके बाद हम देखेंगे कि गाड़ी को रिवर्स कैसे करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, अलग अलग एंगल से आपको पूरा सब कुछ समझाएंगे। तो अगर हम इस वाले ORVM की बात करें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले ORVM में आपको लेफ्ट कॉर्नर दिख रहा होगा, तो आपको एडजस्ट करते टाइम, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल मिरर है मेरी गाड़ी में, तो मैं इन्हें थोड़ा सा नीचे की तरफ एडजस्ट करूंगा, ताकि मुझे थोड़ा सा रोड भी दिखे, मुझे रोड भी पूरा दिख रहा है और मुझे थोड़ा सा डाउन साइड का भी दिख रहा है। नॉर्मल जो पोजीशन रहती है वो ये रहती है कि आपको जो साइड के व्हीकल्स वगैरह हैं, साइड मिरर्स का वो देखने का काम आता है, लेकिन रिवर्स की कंडीशन में आपको थोड़ा सा नीचे करना होता है, जो कि ठीक है कोई भी ORVM कवर कर देगा। सेम आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ ये वाले भी इस वाले मिरर को भी करना होता है। ठीक है, अब मैंने इसको नीचे कर लिया, ज़्यादा नीचे हो गया। हाँ, अब ये परफेक्ट है। ठीक है, अब ये ठीक है, और ये तो नॉर्मली आपको ये इस तरीके से एडजस्ट करना रहता है। तो जैसे आप थोड़ा सा नीचे की तरफ इन्हें एडजस्ट कर लें, उसके बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है। और हाँ, एक चीज़ और, स्टार्टिंग में आपको हमेशा क्लच और ब्रेक के साथ ही खेलना है, एस्केलेटर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल हर गाड़ी क्लच छोड़ते ही आगे या पीछे की तरफ फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर में चलने लगती है। और रिवर्स गियर में अगर समतल जगह है, ज़्यादा कोई चढ़ाव या उतार नहीं है, तो क्लच पे केवल हाफ क्लच पे आराम से गाड़ी चलती है, तो आप उसी का यूज़ करें। ठीक है, तो अभी मैं एस्केलेटर का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि बराबर जगह है यहाँ पर। और ठीक है, यही था, बाकी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ। आपको एक पीछे का भी एंगल दिखाएंगे बाहर का, और आपको मैं एक ड्राइवर व्यू मतलब मिरर से बता दूंगा कि मुझे कहां पर करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मेरी गाड़ी रोड के पैरेलल खड़ी हुई है, यहां पर ग्रीन आपको दिख रहा होगा उस साइड के ORVM में। और ये जो आपको फर्स्ट नंबर के जो रोड दिख रहा है, यहां पर हमें टर्न लेना है। ठीक है, लेकिन वहां पर एक छोटा सा पोल भी है, अभी हमें उससे बचाना है उस वाले कॉर्नर में। तो हम धीरे धीरे गाड़ी को पीछे लेते हैं। ये मैंने रिवर्स गियर लगाया, यहाँ पर रिवर्स गियर का मेरा इंडिकेटर शो हो रहा है। ये गाड़ी में मेरे पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन अभी ये हर गाड़ी में नहीं आते, आपको बिना इनके सीखना चाहिए, इनके इस्तेमाल किए, इससे क्या है आपका अंदाज़ा काफ़ी अच्छा बैठता है। तो अभी हम धीरे धीरे गाड़ी को पीछे करेंगे। एक चीज़ और, जब आपको गाड़ी लेफ्ट में ले जानी है, तो आपको स्टेयरिंग को भी लेफ्ट में ही घुमाना पड़ेगा, और आपको गाड़ी अगर राइट में ले जानी है, तो आपको स्टेयरिंग इस तरीके से राइट में घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मुझे गाड़ी लेफ्ट में लेके जानी है, तो मैं स्टेयरिंग को लेफ्ट में घुमा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंदर जाने लगी है गाड़ी, पैरेलल खड़ी थी पहले, और सेम आपको इधर देखना है। कि आपकी गाड़ी बाहर तो नहीं जा रही है, अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा आउट में जा रही है मेरी गाड़ी। तो अब आगे यदि जगह है, तो मैं थोड़ा सा गाड़ी को आगे ले लूँगा। ये मैंने आगे ले लिया, अब आप देख सकते हैं पीछे की तरफ काफ़ी जगह हो गई है, और उस साइड भी रोड पे काफ़ी जगह है। तो अब मैं गाड़ी को रिवर्स ले रहा हूँ, और ये मैंने रोड से ही से अलाइन कर दी। सेम उस साइड भी काफ़ी ज़्यादा गैप है, और हम खंबे से बचा चुके हैं गाड़ी, और ये मैंने गाड़ी को आराम से रिवर्स कर लिया है। पीछे की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा गैप है, और मैंने कुछ ये वाला टर्न यहाँ से इस तरफ लिया है। तो देखा आपने कितना ज़्यादा ईजी है, थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा हो गया, लेकिन ईजी है। एक बार आप जब प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे अपनी गाड़ी से धीरे धीरे, तो आपको प्रैक्टिस में आता जाएगा, और फिर
एकदम हंसी खेल लगेगा आपको, रिवर्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।